नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद से आ रही है बड़ी खबर। आपको बता दें, देवरिया जिले के घाटी स्थित एक परीक्षा केंद्र पर हाई स्कूल विज्ञान विषय की कापियां स्कूल के चपरासी के घर लिखी जा रहे थे। जिला अधिकारी अमित किशोर व पुलिस अध्यक्ष डॉक्टर श्रीपत मिश्रा ने पुलिस बल के साथ जाकर छापेमारी करने के बाद केंद्र व्यवस्थापक समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से विज्ञान विषय की लिखी हुई कापी और सादी कापियों के साथ विद्यालय की मुहर भी बरामद हुई। पत्रकारों से बातचीत में बताया कि कर्मयोगी त्रिपाठी बाबू उच्च माध्यमिक विद्यालय घाटी बटनी के हाई स्कूल विज्ञान की उच्च पुस्तक एवं उसकी कॉलेज के एक कर्मचारी के घर लिखी जाने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक भटनी को साथ लेकर खटा गांव की स्थित उसी विद्यालय के चपरासी रामानंद के घर सुबह छापेमारी की गई। छापेमारी में 5 पुरुष और 4 महिलाएं उसी पाली में चल रही हाई स्कूल विज्ञान की श्रेणी की उत्तर पुस्तिकाओं को लिख रहे थे। इन उत्तर पुस्तिकाओं में 2 पर परीक्षार्थियों के रोल नंबर और कक्षा के विवरण साथ ही विद्यालय की मुहर लगी थी तथा प्राथमिक पृष्ठ पर सभी प्रस्तुतियों की अंकित की गई थी। शेष उत्तर पुस्तिकाओं पर रोल नंबर छोड़कर सारे विवरण लिखे गए थे। मौके से विज्ञान की लिखी जा रही 5 श्रेणी उत्तर पुस्तिकाओं के नोट्स, लेखन सामग्री, 2 श्रेणी की सादी उत्तर पुस्तिकाएं तथा 9वीं श्रेणी की सादी उत्तर पुस्तिकाएं भी बरामद हुई। इसके अलावा श्रेणी की एक DMISP ने बताया कि मौके से उत्तर पुस्तिका लिखते हुए पुरुष व महिलाओं से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पल से इस विद्यालय में परीक्षा दे रहे है। बाहर कापी लिखने का काम उसी विद्यालय के प्रधानाचार्य और चपरासी की मिली भगत से हो रही है। डीएम व एसपी ने बताया कि केंद्र व्यवस्थापक समेत 6 पुरुष 4 महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। और खबर देखने के लिए इस बी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए। मिलते हैं फिर एक नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।